अब मैं निकल चुका हूँ अपने सेकंड डे के टूर के लिए जिम कॉर्बेट। अब हमारी गाड़ी जो है हमें जिम कॉर्बेट के पास उतार देगी, जहाँ से हम अपनी जिप्सी लेंगे। अभी का बेटा गेट लॉक कर रहा है, उठे हैं 5 बजे, हम 6 बजे रेडी हो गए थे, लेकिन हमारे ग्रुप मेंबर के थोड़े लेट होने से हम भी थोड़ा लेट हो गए 6:30 बजे, इसलिए हम निकल गए थे यहाँ से। और वहाँ पर करेक्ट हम 7 बजे पहुँच जाएंगे और 7 से 8 बजे तक हमारा ये होगा और हम 8 बजे वापस आ जाएंगे। शेर वेर तो खैर हमें मुझे पता है मिलेगा नहीं मिलेगा, देखते हैं क्या होता है। गाइस हम यहाँ पर जंगल सफारी में आए हैं, सबको तो हमें 2 गाड़ी मिली है जिसमें 6 जन आए हैं, लेकिन यूवी हमारा बदमाश आ गया हमारे साथ ही। हमें जिप्सी ये मिल गई है, अब हम निकल रहे हैं गेट नंबर 3 या 4 से हम घुसेंगे। ये थी हमारी आखिरी जानकारी और ये पक्की रोड। अब हमने गेट नंबर से एंट्री कर दी है, जो मेन जंगल है इसका कच्चा रोड होता है और ध्यान से हमें चलना होगा। तो बच्चों ये देखिए अब हम जा रहे हैं कच्ची रोड पे, ये बहुत ही मैसी रोड है, मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं पाऊँगा जैसे आपको दिखा रहा हूँ। देखिए हम जा रहे हैं, ये देखिए जंगल में पानी, इसे आप देख पा रहे हैं कितना बेकार रोड है, मेरा कैमरा भी हिल रहा है इसके अंदर, तो बड़ी मुश्किल से मैं रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ क्योंकि गाड़ी एकदम हिल रही है। मैं ऐसा लग रहा है मेरा फ़ोन और मैं खुद भी गिरने के मेरे चाहेंगे, क्योंकि जिस भी मार्ग अगर बैठोगे तो बहुत रिस्क है वीडियो बनाना। लो आ जाओ ये देखो, दिखा 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 हमें कुछ दिखा, लेकिन ओ ये तो हिरन है, वो बंदर बंदर, ये रहा लंगूर बंदर, लंगूर दिख गया मैं। अभिका वो जा रहे बंदर, हाय बोलो सबको। तो ऊपर भी है, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिखा, आधा घंटा हो गया हमें घूमते घूमते, हमें शेर नहीं दिखा, ना शेर का बच्चा दिखा, ना शेर का भूत दिखा। अब हम वापसी क्यों हो रहे हैं, हमें कोई टाइगर नहीं, ऊपर चढ़ गए थे, बड़ा सही व्यू मिल गया था ऊपर से थोड़ा बहुत। अच्छा देवी ये देखो, ये हमारे होटल के पीछे का ही व्यू है और बहुत ही सुंदर व्यूज है, और हम जिस पुल पे खड़े हैं और वो हिल रहा है, और वो हिल रहा है, ये ब्रिज ये देखिए, ये ब्रिज हिल रहा है, और ये मजाक की बात नहीं है। और आप कभी आओगे तैयार हो के आना था, फोटो खिंचवा लो। चलो वापस चले, वेरी गुड, चलो अपने रिजॉर्ट्स आ चुके हैं। यहाँ पर हम बैट बॉल खेल रहे हैं, बैट बॉल ये जो किल्ली सब ये रिजॉर्ट्स वालों की तरह बिल्कुल मुफ्त हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। चल यू भी डालने दे, जल डालने दे, कितनी बॉल डाली तूने? एक वाइट थी, एक ही डाली यानी कि ये जो हमारे रिजॉर्ट्स के बिल्कुल पीछे का व्यू है, वीडियो बना लो ना, रिजॉर्ट्स के जस्ट पीछे उनका पर्सनल झरना बह रहा है, मतलब वो छोटी सी नदी है एक, वो बह रही है, ओ मछली, बहुत ही सुंदर नजारा है। It
ये हमारा रिजॉर्ट है, ये मैं 3-4 किलोमीटर में फैला हुआ है और ये बहुत ही अच्छा। और इसके पीछे है ना एक छोटी सी नदी बहती है और उसके बहुत ही अच्छा व्यूज है उसका। और ये हमारे पहाड़ों के पीछे बादल दिखाई दे रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब इतना अच्छा व्यू है यहाँ पर, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, ना शिमला ना नैनीताल, कहीं पर भी अगर आप एक दिन इस रिजॉर्ट में भी रुक गए ना तो आपको जन्नत की फीलिंग आ जाएगी। तो मेरे कहने से या इसके रिव्यू पढ़ लीजिए आप, सोलाना रिजॉर्ट्स है यहाँ पर जिम कॉर्बेट से 8 किलोमीटर ऊपर, बहुत ही अच्छा है।